देश का किसान कभी मौसम की मार झेलता है, तो कभी अधिकारियों की लापरवाही, तो कभी कुछ कंपनी किसानों के साथ धोखाधड़ी कर जाती है। ऐसा ही एक मामला जबलपुर में देखने को मिला है, जहां पर हल एग्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने किसानों के साथ करीब 1,68,00,000 रुपए का घपला किया है। दरअसल ये मामला 2023 का है, जब मयंक वेयर हाउस में किसानों ने इस कंपनी को 5,078 बोरी चना बेचा था, लेकिन चने की जांच में अमानक पाया गया। अमानक पाए जाने के बाद एफपीओ को किसानों को चना लौटाना था, लेकिन एफपीओ ने किसानों को चना वापस नहीं किया, बल्कि कृषि विभाग में फर्जी वापसी जमा करा दी थी। लिहाजा अब किसान परेशान होकर कलेक्टर के पास पहुंचे हैं। किसानों की शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया, जिसके आधार पर कृषि विभाग ने चरगवा थाने में मामले को दर्ज करवाया और आरोपी कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आज रात में ये जो रवि आम्रवंशी हैं, सहायक संचालक कृषि जबलपुर से हैं, इन्होंने एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें कलेक्टर महोदय द्वारा के जांच दल गठित किया गया था, उसमें जांच की गई और इन्होंने आवेदन लाया था, जिसमें एक यहाँ मैंक वेयर हाउस में हल एग्री फार्मर प्रोडक्शन कंपनी लिमिटेड है, जिसने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना का उपार्जन किया था, जो चना अमानक घोषित होने पर उसे वापस कर दिया गया था, जिसमें कुल 110 किसानों का 3,162 क्विंटल चना था। तो इन्होंने ये जो हल एग्री फार्मर प्रोडक्शन कंपनी के संचालक हैं और नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने वो राशि जो है किसानों को वापस नहीं की, जिसमें कल आज रात में ही एक FIR दर्ज की गई, जिसमें इन्होंने कुल 1,68,69,270 रुपए का गबन किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिए गए, प्रकरण की विवेचना। बेसिकली ये 2023 का मामला है। 2023 में मैंक वेयर हाउस में खरीदी हुई थी और एक FPO है, हल एग्रो फार्मर्स प्रोड्यूसर, उसने खरीदी की थी। उस खरीदी में जो चना और गेहूँ खरीदा गया था वो चना और गेहूँ ख़राब था, नॉन FAQ पाया गया था। तो गेहूँ की तो उस समय FIR हो गई थी और गेहूँ और चना जो है FPO को वापस कर दिए थे कि चूँकि नॉन FAQ हैं तो आप अपने किसानों को वापस कर दीजिए। इसके बाद CM हेल्पलाइन में एक किसान ने शिकायत की कि उसको ना तो चना मिला है और ना ही चने का पैसा मिला है। जब FPO को बुला के पूछताछ करी तो FPO ने बताया कि हम किसान को जो है पैसा नहीं दे पाए हैं, ना ही चना दे पाए हैं। उन्होंने फिर हमारे सामने ही जो है उसको पैसे वापस लौटा है किसान को। तो वहाँ पर कुल मिलाकर करीब 70 के आसपास किसान थे। तो हमने फिर उनसे पूछा कि भाई बाकी के दूसरे किसान जो हैं उनको आपने चना वापस किया है कि पैसा दिया है, उसकी जानकारी दीजिए। उन्होंने कुछ पावतियाँ हमको दी, पावतियाँ संदेहास्पद पाई गई। उनकी जब जाँच की गई जाँच दल ने, तो उन्होंने पाया कि इन्होंने किसानों को चना वापस नहीं किया है और ना ही पैसे दिए हैं। ऐसी स्थिति में उस FPO के अगेंस्ट में FIR की गई। FPO के जो संचालक हैं उनके अगेंस्ट में FIR हुई है। FIR की कॉपी मैं आपको दे दूँगा। वसूली कैसे की जाएगी? इसमें वसूली का वसूली जो है किसानों को जिनने लिया है उन किसानों को उनका वो मिलना चाहिए वापस। एक किसान हमारे सामने आए थे, उनको हमने FPO से दिलवाई। चरगवा थाना पुलिस ने FPO के संचालक नरेंद्र तोमर को गिरफ्तार भी कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।